श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। तो श्रोताओं, आज मैं पहुंचा हूं उद्यान विभाग सतबुंगा में, और जहां आज परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जिसमें मुख्य रूप से हैं रमेश चंद दानी जी, जो कि सुविधा संस्था से हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है रेडियो कुमाऊँवानी में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा नाम रमेश चंद दानी है, मैं सुविधा संस्था में कार्यकर्ता हूं, और हम लोग उद्यान विभाग के साथ मिलकर के परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सूपी सतबुंगा में कृषकों के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि, जैविक खेती को बढ़ाना है जी। और रासायनिक खेती से आज तक जो स्वास्थ्य के ऊपर और जो भूमि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, आदमी मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको किस तरह से ठीक किया जाए जी, और किस तरह से हम आने वाले समय में अपने ये सब जैविक जो बीज हैं, परंपरागत जो बीज हैं, परंपरागत जो खेती है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं इस विषय में, और कैसे कृषकों को इसमें अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक कृषकों को इसके साथ जोड़ा जाए, और उनको एक कम लागत में अधिक मुनाफे वाली खेती कैसे की जा सकती है, उसके बारे में प्रशिक्षण देंगे जी। तो सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है, और मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ एक समूह निर्माण किया गया है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मनसा रहती है कि मैं भी समूह के साथ जुड़ के कार्य करूँ और जैविक खेती करूँ, तो चयन की बात करें तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से आप लोग करवाते हैं? इस ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका संचालन किया जा रहा है। इसकी जो गाइडलाइन या इसकी जो क्राइटेरिया थी, वो इस तरह के इसको बनाया गया था कि एक समूह जहाँ पे कम से कम 20 किसान और अधिक से अधिक 50 किसानों का एक समूह बनाया जाए, ये जो जिनके पास 1000 नाली 20 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। तो जी, एक समूह, अगर एक गाँव में हम कहते हैं कि 100 किसान हैं और वहाँ पे भूमि 2000 नाली है, तो उस गांव में दो क्लस्टर बनाए जा सकते हैं जी, जी। तो क्लस्टर गठन करने का जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 20 काश्तकार और मैक्सिमम 50 काश्तकार, और कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि या 1000 नाली भूमि होनी चाहिए। और ये जो क्लस्टर गठन किया गए हैं, ये अलग अलग जगह पर, यहाँ पे तो किया गया है उद्यान विभाग की तरफ से, जो कार्यदायी संस्था है वो उद्यान विभाग है, और हम लोग सपोर्टिंग एज ए सहयोगी संस्था के रूप में इनके साथ, उद्यान विभाग के साथ काम कर रहे हैं जी जी। और क्लस्टर गठन में भी हम लोगों ने इनकी मदद की, किस तरह से क्लस्टर, क्योंकि पहाड़ में जो खेती है वो सीढ़ीदार नुमा खेत हैं, हाँ, तो जब तक हर एक खेत ऊपर से नीचे, अगर हम कहें कि ऊपर के 4 खेत जैविक हैं, फिर बीच में रासायनिक खेती हो रही है, उसके बाद फिर 4 जैविक हो रहे हैं, तो वो पूरा जैविक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीच में रासायनिक जो बह के जाएगा वो जैविक के साथ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्लस्टर गठन में विशेषतर ये ध्यान दिया गया है कि एक समूह के रूप में एक पर्टिकुलर एरिया लेकर के वो क्लस्टर गठन किया गया है जी। और एज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार हम 50 और 60 किसान के ज़्यादा एक क्लस्टर में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उनका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो उस वेबसाइट के अंतर्गत फिर उसकी इतनी ही क्षमता है जी। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ अगर अधिकतम अगर खेती की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि ना हम ज़्यादा जैविक हैं और ना ज़्यादा रासायनिक, लेकिन अगर जब हम पूर्ण रूपेण अगर जैविक खेती की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती चरण में जो फसल का उत्पादन है उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो लोग करना तो चाहते हैं, और जैविक की अलग से कोई मार्केट नहीं है, तो आपने इस बार क्या ऐसे प्रयास किए हैं कि लोग आपके साथ जैविक जो खेती में जुटना चाहें और उनको अलग से मार्केट में पहचान मिले? इस पे जो जैविक कृषि की, जो जैविक खेती की अभी जो बात की जा रही है, उसमें सबसे हर एक क्लस्टर का अपना एक मार्केटिंग प्लान बनाया गया है, जो सहयोगी संस्था, चाहे हम सुविधा है या फिर और संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं, तो उन्होंने एक मार्केटिंग प्लान बना करके डिपार्टमेंट को दिया है। तो उसका सबसे अहम बात जो इसमें है कि हम लोग
बहुत सारे लोग आज के दिन में जैविक खेती कर भी रहे हैं पर उनका मन इसलिए हट जाता है क्योंकि उनको एक मार्केट मार्केट नहीं मिल पाती है। तो अभी इसमें दो तरह से मार्केट डेवलप किया जा सकता है क्योंकि जो जैविक किसान जो क्लस्टर आज के दिन में वो ऑनलाइन वो PGS इंडिया पोर्टल करके एक वेबसाइट है उस पर रजिस्टर्ड होगा और उसकी क्या फसलें वो किसान उगा रहा है उसका टोटल डेटा जो है उस वेबसाइट में है। जी जी, तो इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत सी में हो सकती है क्योंकि जब अगर कोई आदमी उस वेबसाइट को देखेगा, सपोज हम आज यहाँ पर बैठे सतगुआ में सेव हो रहा है और उसको पता है कि वहाँ पर आज जैविक ये क्लस्टर है और इतने काश्तकार जैविक में रजिस्टर्ड हैं, उनका जैविक प्रमाणीकरण ये है और उसको 1,000 किलो सेव चाहिए जैविक, तो वो ऑनलाइन डिमांड कर सकता है। दूसरा है कि जो आज के दिन में यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बाहर से जिनको आपका जैविक खाने का या जैविक उत्पाद जो ढूंढ रहे हैं, उनको जब काश्तकार के पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसका प्रमाणीकरण हो जाएगा, उसका एक उसको एक कोड एक नंबर मिल जाएगा, तो वो अपने उत्पाद को विभिन्न तरह से मार्केट में है या फिर इंडिविजुअल रूप से है उसमें बेच सकता है। जी, तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप उद्यान विभाग सतगुंगा में हैं तो क्या ये सिर्फ इस एरिया के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम है या फिर पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए है या फिर कुछ एक ब्लॉक के लिए, कैसे? नहीं, ये पूरे अभी पूरे इंडिया पूरे देश में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। जी, तो इसमें लाइन डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे यहाँ पे उद्यान विभाग के पास नैनीताल जिले में उद्यान विभाग के पास इस तरह के 66 क्लस्टर हैं जिनमें सपोर्टिंग सहयोगी संस्था सुविधा है। इसी तरह से कृषि विभाग के पास कुछ क्लस्टर हैं, वो लोग भी अलग अलग जगह पर क्लस्टर बना रहे हैं। तो टोटल जो पूरे उत्तराखंड में आज के दिन में इस साल इस वर्ष में जो क्लस्टरों का गठन किया गया है वो लगभग 4,000 क्लस्टरों में जैविक कृषि का क्लस्टरों का गठन किया गया है। जी, और अगले सालों में जो और जो छूट क्लस्टर रह गए हैं, जो गांव और छूट रह गए हैं, उनको अगले साल फिर से जोड़ा जाएगा जो किसान रह चुके हैं। हाँ, तो सर ये तो रही बात आपका कि किस तरीके से आप लोगों को जोड़ रहे, क्या कर रहे हैं, तो अंततः एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जैसे सुविधा सस्ता ये लोगों को शुरुआती चरण में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रही है और बीच बीच में कुछ मदद भी करेगी, तो ये सब आपका कब तक रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल या कंटिन्यू आप करते? नहीं, इसको एक क्लस्टर में जो समय अवधि है वो 3 साल की है। जी, तो इन 3 सालों को हम कन्वर्जन आएगी परिवर्तन पीरियड कह रहे हैं। जो मिट्टी आज के दिन में जो हम लोगों ने रासायनिक दवा खादों से जो जो मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है उसको ठीक होने में, अगर आज से ही किसान उसको जैविक करना शुरू करता है तो वो मिट्टी को वापस परंपरागत जो जैविक होने में 3 साल का लगभग समय यहाँ पर माना जा रहा है कि 3 साल लगेंगे। जी जी, तो उन 3 सालों में जो काश्तकार को जैविक उत्पाद करने में जो क्षति होगी, क्योंकि जब जैविक उत्पादन में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उत्पादन थोड़ा घटेगा, हो सकता है कि कुछ साइज क्वालिटी ये सब में प्रभाव पड़े, तो उसके लिए सरकार की तरफ से एक काश्तकार को एक छोटी सी मदद दी जा रही है कि उनको जैविक खाद से इंट्रोड्यूस भी कराया जा रहा है और बांट दिया भी जा रहा है कि आप इसको डालिए और इससे इसका रिजल्ट भी आप देखें कि क्या जो जहाँ पर आप यूरिया डालते थे तो सेम मात्रा में या जो रासायनिक खादें डालते थे उसी मात्रा में आप इस जैविक खाद को डालिए और उसी से आपका जितना उससे फायदा होता था वो इससे होगा। जी जी, वो पूरे निशुल्क बांटा जा रहा है, उसमें कोई पैसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि कम लागत में हम अधिक मुनाफे वाली खेती कैसे कर सकें। तो क्लस्टर प्लान दो में दो मुख्य बातें हैं कि एक तो वो क्लस्टर में खेती करें और उसका जो उत्पादन है उसको हम सीधे जैविक उत्पाद के रूप में बाजार तक ले जा सकें और एक अच्छा बाजार की व्यवस्था कर सकें। जी, और दूसरा है कि क्लस्टर में जैसे अभी सरकार के द्वारा स्प्रे मशीनें दी जा रही है, बर्मी कंपोस्ट दिए जा रहे हैं या कुछ जो घर में ही हम लोग कुछ ऐसे दवाइयाँ कीटनाशक फफूंदी नाशक बना सकते हैं जिनसे जैविक कीटनाशक। जी जी बिल्कुल, तो काश्तकार को वो बाजार से उतना खर्चे में जो दवा लाता था उससे उसकी बचत होगी। तो सर बहुत अच्छा प्रयास है आपका और खासकर किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। तो अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम क्या संदेश कहना चाहेंगे? हम सबसे इस प्रशिक्षण के दौरान या हम लोगों ने और भी जहाँ पर प्रशिक्षण इस तरह से दिए हैं तो मेरा एक ही संदेश भी है सभी लोगों से कि हम जो अगली पीढ़ी है जी उसको
और अगली मिट्टी की पीढ़ी हो या फिर अपनी पीढ़ी हो, बिल्कुल। उसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और वो एक ही माध्यम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जैविक कृषि को अपना करके अपना पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य, मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रख सकें।